आज बड़े हर्ष के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं उधमपुर वासियों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की जो बड़ी पेंडिंग डिमांड थी, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिले, उधमपुर का हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये अपग्रेड हो टू द स्टेटस ऑफ ए मेडिकल कॉलेज, वो गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया। आपको याद होगा कि चार दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके अंदर बताया था और मैं दिल्ली भी गया था। जिस दिन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की इलेक्शन जीते थे तो मेरी उनसे तकरीबन हर दिन बात होती है, तो मैंने उनको यही कहा था कि एक मेडिकल कॉलेज हमारे उधमपुर को देना है। जब सेंटर गवर्नमेंट ने 75 मेडिकल कॉलेज का एक स्कीम बनाई कि हम अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट को देंगे, तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये कहा कि डॉक्टर साहब इस बार हमारा उधमपुर छूटना नहीं चाहिए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने ये कॉलेज सेंक्शन किए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। दूसरा शुक्रिया मैं अदा करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने एफर्ट की। तीसरा शुक्रिया मैं अदा करूंगा गवर्नर हमारे माननीय महामहिम सत्यपाल मलिक जी का और हमारे एडवाइज़र के विजय कुमार जी का। और साथ में ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने डीसी उधमपुर का भी, उनके साथ मेरी बातचीत होती रही है और उन्होंने कहा कि हम भी इस केस को ऊपर में स्ट्रेस करेंगे। तो मैं आपको ये खुल के बता सकता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से इस काम के पीछे में लगा था। मैंने अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की थी कि अभी मैं दिल्ली गया था, मैं इसी विषय में गया था। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि अभी ये कहीं 10 तारीख को जो मीटिंग हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उधमपुर स्लिप कर जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार में आपका हॉस्पिटल जो है ये अपग्रेड होगा मेडिकल कॉलेज में। और मैं बड़े खुशी के साथ, बड़े फख्र से और बड़े गर्व से बता रहा हूँ कि ये आज जो अचीवमेंट हुई है, ये उधमपुर के इतिहास के अंदर में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इसको आने वाले समय के अंदर एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है, इसको याद किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब 2013 के अंदर में हमारे माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जब कॉलेज अनाउंस किए, डोडा में अनाउंस किया, अरजोरी में अनाउंस किया, उन्होंने कठुआ में अनाउंस किया, पर जब उधमपुर छूटा तो उधमपुर के दिल के ऊपर में बड़ा कुठा, हमारे को हमारी जो सोच थी उसके ऊपर बड़ा हमारे को दुख हुआ था कि ये उधमपुर को क्यों इग्नोर किया गया। उसका एक कारण है, उधमपुर जो है ये आज की डेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद में सबसे ज़्यादा इंडोर पेशेंट जो है वो उधमपुर में, आउटडोर पेशेंट उधमपुर में है। उधमपुर का हॉस्पिटल कायाकल्प के अंदर में नंबर एक आता है, नंबर दो आता है और पहला हॉस्पिटल है ये। मैं उधमपुर के पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को, मेडिकल स्टूडेंट को, डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट को, पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने नेशनल क्वालिटी एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स के अंदर में हमारे हॉस्पिटल को पास करवाया है। 22 डिस्ट्रिक्ट में से ये एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमारे हॉस्पिटल को वो हमारे को प्रिविलेज मिला है कि उसमें वो पास हुआ है। इसलिए ये मेरिट भी था हमारा, हमारा मेरिट ये था कि उधमपुर का हॉस्पिटल डिजर्व करता है। और इस बार में हमने कोई चीज़ जो है वो हमने जाने नहीं दी और हमने पूर्णतया ये डिसाइड किया था कि ये हॉस्पिटल उधमपुर को मिले। मैं पुनः एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे एडवाइस जो गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी हैं उनका, और हमारे एडवाइज़र जो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ को डील कर रहे हैं के विजय कुमार जी का, अपने डीसी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि जिन्होंने ये हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दिए हैं। तो मैं ये आपको ये खुशखबरी देने के लिए आज आपको बुलाया था, क्योंकि आपको पता होगा जब नीली लाला में कॉलेज बना था मैंने उसके पहले कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको बताया था। अभी वो अनाउंस भी नहीं होता, अभी सैक के अंदर में, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में वो अनाउंस भी नहीं होता, मैंने बताया था। क्योंकि कई बार किसी की शादी में बेगाने उदूल्हे बराती हो जाते हैं, तो वो बराती भी साथ साथ में चल पड़ते हैं बिना बुलाए हुए। तो वो मैं उन बरातियों को बुलाना चाहता हूँ कि आपके दीवाना होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके 12 साल के अंदर में कुछ नहीं हुआ। आपके उधमपुर का दुर्भाग्य रहा कि 12 साल उधमपुर में कुछ नहीं हुआ, 6 साल सत्ता में रहे, PDP और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे 3 साल और 6 साल सत्ता में रहे,
कुछ नहीं हुआ, हमने तो जो काम करना है बोलते हैं ये 10 तारीख का साइन किया है, वो भैया ये प्रक्रिया 2 महीने पहले से शुरू हुई है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कहा था अभी एक और खुशखबरी आपको दूंगा, पर आज अनाउंस नहीं करूंगा उसको, अभी एक और खुशखबरी दूंगा उधमपुर के लिए, आपको आज अनाउंस नहीं करूंगा। मैं ये बता सकता हूँ ये मेरा कोई इसमें नहीं है, ये सब उधमपुर की जनता का ये आशीर्वाद है कि, और माँ भगवती का आशीर्वाद है कि जिस काम में हमने हाथ डाला है उसमें सफलता मिली है। शायद कहीं पर मैंने देखा है कहीं परमात्मा एग्जिस्ट करता है, किसी मदद करता है, नेक नीति को, ईमानदारी को, आपकी पुरुषार्थ को और आपकी कार्यक्षमता को वो हमेशा पुरस्कृत करता है, और यही काम उधमपुर हुआ है। 3 साल में MLA रहा, पर 3 साल के अंदर में जो अचीवमेंट्स मेरी हुई हैं ये सब लोगों के सामने, मैं आज सवेरे का मेरा फ़ोन बंद नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने मुबारकबाद दी जो कि कभी जिनके माइंड में नहीं था कि उधमपुर के अंदर में कभी हॉस्पिटल बनेगा, पर आज ये हुआ है तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपको ये भी बताना चाहता हूँ असेंबली के अंदर में मैंने इतना इसके ऊपर बोला हूँ, आज मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको केसेट भी दे सकता हूँ, मैंने इतना कुछ कहा कि मैंने बोला उधमपुर के लिए क्यों नहीं है मेडिकल कॉलेज, क्यों नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो खैर मेरे पहले बन गई थी, मैं क्यों नहीं है, मैंने तो IIT वालों को भी इधर लाया था, पर उन्होंने कहा कि हमारे को बाई ईयर की फैसिलिटी चाहिए, उनके फैकल्टी ने उस वक्त माना नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारे को चलिए IIT का लाभ जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्शन होगी, पर ये मेडिकल कॉलेज ये कई लाख गरीब लोगों को जो है वो सहायता करेगा। हम लोग बोला करते थे कि उधमपुर रेफरल हॉस्पिटल बन गया, उधमपुर रेफरल हॉस्पिटल बन गया, आज जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ये GMC के बराबर काम करेगा, और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी हार्ट से लेकर किडनी तक की सुविधाएं जो है आपकी ऑर्थोपेडिक्स की बहुत सारी सुविधाएं, स्किन की फुल फ्लैज एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ GNK में जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उन सब में ये बेहतरीन कॉलेज बनेगा, और ये ऐसा कॉलेज होगा कि आने वाले समय के अंदर में उधमपुर के लोग कई दशकों तक याद करेंगे कि ये कॉलेज बना था। और मैं सबसे पहला आभार जिनका मैंने प्रकट किया है आदरणीय श्री मोदी जी, पुनः मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे महामहिम हमारे राज्य के गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी, एडवाइज़र के विजय कुमार जी, हमारे इधर के DC पीयूष सिंगला जी, और सबसे बड़ा उधम